कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए एक और शादी समारोह पर रोक लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर हरदा में अवैध रूप से पटाखों का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे ही अवैध निर्माण के दौरान शहर के बगरधा रोड पर धमाका हो गया। धमाका इतना भयंकर था कि मकान की छत उड़ गई और पूरे मकान में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। मृतकों में एक युवती सहित 2 बुजुर्ग महिलाएं शामिल हैं। मृतकों की पहचान विमलाबाई, शांताबाई और पप्पी बेलदार के रूप में की गई है। ये सभी लोग बिना अनुमति पटाखों का निर्माण कर रहे थे। मौके पर पहुंचे प्रशासन के अधिकारियों ने मृतकों के शवों को जिला अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि पटाखा व्यवसायी राजू अग्रवाल के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, बावजूद इसके राजू पटाखा बनाने का काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शहर के कोतवाली थाना परिसर से महज 300 मीटर की दूरी पर ये पटाखे बनाए जा रहे थे और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। कुछ दिन पहले अभी एक आवेदन दिया था कलेक्टर साहब को, माननीय कलेक्टर जी को, उसके बाद कोई जांच नहीं हुई। मान लो समय पे जांच हो जाती तो ये हादसा नहीं होता, ये लोग सुरक्षित बच जाते। मांग ये है कि ये कहीं अपने अलग जगह लेके काम करें, रिहायशी इलाके में नहीं होना, ताकि जो दुर्घटना हो रही है इससे बचा जा सके। पटाखे बना रहे थे फिर और वो होल्डर में फिर गिरम गिरा और आग लग गई था। उसमें 3 आदमी हमारे मारे गए, हमारी पत्नी, हमारी माँ, हमारी नातन, हमारा छोरा बचाने गया तो वो घायल पड़ा हुआ है, इलाज चल रहा है। इसकी कुछ अभी तक आपको सहायता राशि वगैरह मिली? नहीं, कोई नहीं मिली सर, कुछ भी 1 रुपया नहीं मिला सर। 1 रुपया नहीं है हमारे पास, पे ही करवा रहे हैं। अभी 2 दिन तक तो अस्पताल में भर्ती था तो उन्हें गवर्नमेंट ने किया और उन्हें निकाल दिया। अभी प्राइवेट में बोले करवा नहीं तो हाथ कट जाएंगे। देखिए, आरोपी जो मुख्य आरोपी है राजेश अग्रवाल, उसके हमने अरेस्टिंग कर ली है। और राजेश अग्रवाल की जो पूरे प्रकरण में उसकी ही गलती पाई गई है, क्योंकि वो एक लाइसेंस है उसके पास और बिक्रय करने का, माल तैयार करने का, वो भी उसके जो निर्धारित प्रमाइसिस है उसके अंदर, लेकिन इसने कच्चा माल दिया प्रताप बेलदार को और उसने अपने कच्चे माल को अपने घर में रखा और उससे जो 3 जाने गई है वो सबसे बड़ा काम है राजेश अग्रवाल।